हाँ जी पुत्र, फर्स्ट प्रिंसिपल दे क्वेश्चन और कर लिया ना, लेट अस प्रैक्टिस मोर। अच्छा वैसे ना लिमिट दा मैं एक एक दो रूल चेते करा देना। मान लो लिमिट लिखी होवे ना इदा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2, ठीक है, लेट्स से अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, चलो पहले नहीं समझो। अच्छा एक हुंदा जे प्लस माइनस दे अंदर कोई टर्म पई होवे ते कदी भी पार्शियल पुटिंग नहीं कर दे, मतलब इनू तुसी कहो कि चलो सर एवें कर दिंदे आ कि एक्स अप्रोचेस 1, कि जिहड़ा आ वाला एक्स है ना ये सर इनू तुसी 1 पुट कर दो इत्थे, ठीक है, ते एक्स स्क्वेयर इत्थे प्लस 2 है ना माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 करके, है ना, आ करके फिर तुसी कह दो सर आ 1/0 नॉट डिफाइंड आंसर है, गलत है। तो ये याद रखो कि प्लस और माइनस के अंदर भावें न्यूमिनेटर है भावें डिनोमिनेटर है पार्शियल पुटिंग नहीं होनी। ऐदा नहीं कि एस एक्स पुट कर दो, एनू पुट कर दो, एनू की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये गलत है। तो मेक अ नोट, ऐदा कभी नहीं करते होंगे, नो पार्शियल पुटिंग। दूजी गल कि अगर मल्टीप्लीकेशन के अंदर कोई नॉन जीरो टर्म है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, ठीक है, हालांकि मैं लास्ट वीडियो भी कहा मान लो इतने नाल आ हूँ टर्म हो, हूँ एक्स अप्रोचिज 1 कर रहे पूरे फंक्शन के नाल मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर एक्स अप्रोचिज 1 इतने कर दो तो ये आंसर आ रहा 2 विच इज़ नॉन जीरो। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर या डिवीजन के अंदर पूरी टर्म के नाल, ठीक है, पूरी टर्म के नाल अगर मल्टीप्लाई हो रहा या डिवाइड हो रहा दैन यू कैन पुट, बिकॉज ये हले भी इन्हें 2 ही रहना बाद भी, सो वी कैन पुट आर एनी वी कैन पुट द लिमिट टू द टर्म विच इज़ इन द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन टू द होल टर्म, ठीक है, विच इज़ नॉन जीरो। नॉन जीरो है तो पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो जीरो हो गया फिर वही प्रॉब्लम होगी। अगर आ जीरो है मान लो फिर 0/0 हो सकता है ना, तो नीचे भी जीरो हो तो वो फिर गलत हो जाना। तो आ दो चीज़ों का ख्याल रखो, इस करके मल्टीप्लाई कोई टर्म हुई है सारी के नाल मैं उन्हों पुट कर सकता, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लीकेशन च भी मैं एक होर क्लियर कर दें, जैसे मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, मान लो लिखा है कि लच्छे 2 माइनस एक्स इंटू लच्छे एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स अप्रोचेज 1 ना। हूँ ऐदा नहीं है कि आ दो मल्टीप्लाई है, तुम कहो सही चलो एवें करो सर तुम मल्टीप्लीकेशन से क्या सी आप एक्स में 1 पुट कर देने, नहीं, ये पूरी टर्म के नाल मैं क्या मल्टीप्लाई हो गया, इतने मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, ये तो हले भी डिनोमिनेटर के नाल क्लब है ना बेटे, इतने तो ऑलरेडी मैं पहला पॉइंट कह चुका है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कितने भी प्लस माइनस के नाल कोई टर्म है इदा उन्होंने आप पार्शियल पुटिंग नहीं करनी। इतने अगर कोई टर्म पई है इदा दैन वी कैन मल्टीप्लाई हो रही है और नॉन जीरो आ रही है पुट कर सकते हैं। ओके पहला प्रॉब्लम लिख लो, एफ एक्स लेट्स से लिख लो लीनियर बाय लीनियर, ठीक है, सो फॉर्मूला तुम्हें पता है, जस्ट लिमिट इवेलुएट करनी है, लिमिट एच अप्रोच जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, हाँ जी एक्स की बजाय वी नीड टू फिल एक्स प्लस एच, तो 2 टाइम एक्स प्लस एच प्लस 1 डिवाइड बाय राइट, ये यदि वैल्यू हो गई माइनस एफ एक्स इट इज गिवन, ठीक है, डिवाइड बाय एच, नाउ लिमिट एच अप्रोच इज जीरो। अच्छा हूँ की करिए अपन इनू एलसीएम लेके प्रॉपर न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म्स ले आने हैं, तो एक्स प्लस 3 नू इधर मल्टीप्लाई एनू इधर ना, सो वी हैव आ वाली टर्म विच इज 2x + 2h + 1 टाइम्स x + 3 माइनस आए देना 2x + 1 टाइम्स x + h + 3 राइट, सो आ थोड़ा हो गया न्यूमिनेटर डिवाइड बाय एच एंड नाल होर की नाल आ दोनों दी टर्म्स एलसीएम वाली हैं राइट, वो इतने पूरे दे नीचे आनी है, तो इन मैं थोड़ा साइड से ले गया बिकॉज वो जीरो नहीं हो रही है, ठीक है, x+3 इंटू x + h + 3 राइट। तो हूँ एच अप्रोच जीरो जिमें आ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है बेटे, आ चेक करो एच नू जीरो अगर करिए तो जितने मार्कर घुमा रहा मैं आ, तो आ जाएगा 1/x + 3 इंटू x+3, ये नॉन जीरो नंबर है और पूरे नाल मल्टीप्लाई हुआ, तो इनू अगले स्टेप ना आप 1/x + 3 होर लिख देंगे। गल रही ए
नीचे एच या, इधर मतलब ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई करके इफेक्टिवली तो ये देखोगे एच ऊपरों नीचेों कटिया जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ अपा एच कुछ नहीं है, एच सीधा कैलकुलेशन है थोड़ी जी, ठीक है, मतलब कटिंग वडिंग होनी है ते कट के आंसर आया ना। हाँ जी, इन वे ना दैट इज 2x² +6x +2xh +6h, ठीक है, एंड प्लस एक्स +3, ठीक, माइनस था। तो यदि अभी 6 टर्म्स, हाँ जी, -2x² -2xh -6x एंड -x -h -3, ठीक है, डिवाइड बाय एच इंटू एच अप्रोच 0, आ 0 हो जाना, आ गया 1/x+3 द होल स्क्वायर, ठीक है, नॉन जीरो टर्म में मल्टीप्लाई हो, नो प्रॉब्लम। हूँ हाँ जी, हूँ लड़ाई होनी ना, दिख कट्टो वड्डो, आ -2xh आ गया, -6x गया, +x -x, ठीक है, +3 थे, -3 +2x², सो कितना आ गया 6h -h, हाँ जी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, +5, सो दैट इज 5h आ गया ना ऊपर, ठीक है, 6h -h 5h, h ना h कटे आ गया एज आई टोल्ड यू, तो कितना आ गया 5/x+3 द होल स्क्वायर, राइट, थोड़ा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट लिख लो हो एक दो। ओके, लेट्स डू fx इज इक्वल टू x+2/x, राइट। तो ये चलो हम फॉर्मूला लाइए, दैट इज लिमिट एच अप्रोचेज 0 f(x+h), हाँ जी, एक्स की जगह लेट अस प्लग इन x+h 2/, ठीक है, ए दी वैल्यू होगी -fx -, आ गया डिवाइड बाय एच। ओके, हम आप सिंपलीफाई करना है ना, एलसीएम वगैरह लइए, जड़ी टर्म कट दी है कर दी, एक्स वाली टर्म कटी जाएगी, राइट, ते बाकी आप एलसीएम ला ली, लिमिट एच अप्रोच 0, हाँ जी, एलसीएम ले लिया तो सी दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू x(x+h) है ना, x(x+h), अच्छा इतने मल्टीप्लाई होगा, दैट इज h(x+h)(x) एदे नाल +2 दे नाल आ जाएगा x, आ वाली टर्म भी होगी, और माइनस इतने आ जाएगा 2 दे नाल x+h, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच 1/ दे साथ, तुसी एलसीएम ले लिया पुत्र। ते हुण तुहानू पता है कि उपर मल्टीप्लाई करोगे इफेक्टिवली नीचे एच कटिया जाना, सो देयरफॉर आ वाली टर्म ना तो एच कटी जाऊगा, इधरों कॉमन ले लो, सो दैट इज h(x+h)(x) +2x, हाँ जी, आ भी -2x -2h डिवाइड बाय एच इंटू, हाँ जी, एच अप्रोच 0, आ 0 हो जाना, और अगेन पूरे दे नाल मल्टीप्लाई हो रहा है नॉन जीरो नंबर, तो दैट इज 1/x², तो हम आ भी कटिया गया। नो कैन वी सी के पूरी टर्म चो इथों इथों एच कॉमन आके नीचे कट जूगा, ठीक है, और थोड़ी जी फॉर्म है डिटर्मिनेट होगी, तो इधरों चलो एक स्टेप लेके देने, ठीक है, तो एच कॉमन कर लो, सो वी हैव आवला x(x+h), राइट, ते हो रहा भी गया -2/h(1/), सो हुण लिमिट एच अप्रोच 0 ला दो, तो डिटर्मिनेट हो गया सिर्फ इतने एच है तो इतने 0 हो जाना, सो दैट इज इक्वल टू x(x)² -2/x² या 1 -2/x², ठीक है बेटे, तो आ थोड़ा आंसर आ गया, राइट। अच्छा, मोर ओवर अगे चैप्टर जब करा ना सीधा सम दे नाल या प्रोडक्ट डिवीजन रूल ना करा, तो यू विल सी
कि थोड़ा आंसर सेम होगा है ना। तो जे तो ने सीधा पूछा है कि जस्ट डिफरेंशिएट दैट, फिर आप आगे फॉर्मूले जड़े लर्न करांगे और ना करांगे। जे ने पूछा है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव लगभग, फिर आप इदा कर देने हैं, ठीक है। ओके लेट अस टेक वन मोर, एक्स इंटू साइन एक्स। सो ये एनसीईआरटी च गिवन है, क्वेश्चन थोड़ा जहा लेंथी किया है, बट आप इनू थोड़ा जहा छोटा कर दें। फॉर्मूला लाइए, दैट इज लिमिट एच अप्रोच इज जीरो, इतने इतने एक्स प्लस एच इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, दैट इज दिस बाय एच। तो समटाइम जिदा मैं आई गेस मेरे को मैं थोड़ा दिखाना मैं किता सी नोट इतने। हाँ तो इतने मतलब अप्रोच की कीती उन्हें, उन्हें इतने साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर नो फिर एड करके सर्टनली लिमिट बढ़ा ली उन्हें, तीन तीन लिमिट्स बना ली हैं, ठीक है। बट आप की करिए, आप थोड़ा जहा अप्लाई करते हैं, क्लियरली दिमाग चाह कि नीचे एच कट्टा जाना है ना, तो इतने ना एक्स पे आते, वट वी शुड बी डूइंग रादर दैन उपर वागू खिलारा पाते, इन एक्स ना इन्ना मल्टीप्लाई करिए, सो दैट वो एस टर्म के नाल आ जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ सैकेंड, आ ये मल्टीप्लाई प्लस एच इन टू दिस, ठीक है, क्योंकि एच वाली टर्म तो नीचे कैंसिल ही हो जानी है, माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय एच। सो लिमिट एच अप्रोच जीरो, पहली ते तीजी टर्म तो एक्स कॉमन आ गया, सो वी हैव साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, ठीक है, पहली तीजी प्लस एच इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। हुण एच दोनों के नाल डिवाइड कर दो, इतें भी तो इतें भी, अड अड कर लिया मैं, आ कटिया गया। नाउ इफ यू रिमेंबर, बिल्कुल पहला क्वेश्चन साइन वाला, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाय एच, इन सॉल्व करोगे यदा आंसर कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, पहला सवाल ये किया साइन सी माइनस साइन डी ला के, सो यद आंसर थोड़े को आ जाएगा लिमिट लगा के कॉस एक्स एंड एच अप्रोच इज जीरो, और मतलब आ वाली लिमिट वेट 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 इतने मैं तरीके नाल कर दिंदा, तो की करो चलो लिमिट एड कर लो, एक्स इंटू एच अप्रोच इज जीरो आ वाली, वट एवर इज दिस लिमिट एड कर लेना, लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड, ठीक है, एड कर लो साइन ऑफ एक्स प्लस एच, एंड नाउ यू नो कि आ वाली लिमिट सॉल्व करके कॉस एक्स आ जाएगी, आंसर आ गया एक्स कॉस एक्स प्लस एच अप्रोच जीरो आते डिटर्मिनेट ही है ना, आंसर आ गया साइन एक्स। सो एक स्टेप ची आ जाएगा थोड़ा, दैट इज एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट, सो दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये छोटा हो गया, तो लेट्स डू फ्यू मोर। ओके आ वाला पावर फॉर्मूला ड्राइव कर दें, एक्स रेस टू पावर एन, ठीक है। अच्छा हालांकि ना ये एक बायनोमियल थ्योरम होंगी है, वो ना अपना कर सकते हैं है ना, बट उस तो अलावा एक थोड़ा याद होना कि एक होंगे कि वन प्लस एक्स रेस पावर एन कैन बी रिटन एज वन प्लस एन एक्स इफ एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, इफ एक्स इज वेरी स्मॉल वन प्लस एक्स रेस पावर एन आ लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप यूज कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज लिमिट बनोमिल ना तो हो ही जाएगा, मतलब उन्हें थोड़ा लंदी हो जाता, राइट। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो इतने एक्स प्लस एच रेस्ट पार एन माइनस एफ एक्स। ओके ना आ फॉर्मूला लाने लिए इतने वन होना चाहिए, ठीक है, और आ नंबर जीरो नु जाना चाहिए, तो लिमिट तो एच ते है एक्स ते नहीं है, एक्स ते कॉन्सटेंट है, तो एक तरीके ने इनू बाहर कर लिए, जैसे बाहर क्डा इतने कि आ जाएगा वन प्लस एच बाय एक्स रेज टू पार एन माइनस एक्स रेज टू पार एन बाय एच, ठीक है। आई गल आई गेस आ क्लियर है ना, क्योंकि इतने वन चाहते ना बेटे, तो हूँ इतने प्रोडक्ट आ मल्टीप्लाई है ए इंटू बी की पावर एन, हाँ जी कि हो गया दैट इज एक्स रेज टू पार एन एना इंटू आ दी पूरी दी वन प्लस एच बाय एक्स रेस्ट पावर एन माइनस एक्स रेस्ट पावर एन, तो इतें भी एक्स रेस्ट पावर एन है इतें भी है ना, तो टोटल चो एक्स रेस्ट पावर एन कॉमन कर लाँगे, तो इतने तो आ ही आ जाएगा, इधर की आ जाएगा वन, राइट,
डिवाइड बाय एच, यू आर ऑलमोस्ट देयर। नाउ एच अप्रोच इज जीरो, वन प्लस एक्स आसा डाउन कैपिटल एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स, ठीक है, आ वाला फॉर्मूला ला दिए। सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच जीरो, आ जरा बार नंबर पे आ वो पे आ रहेगा, वन प्लस एन इतने आ जाएगा, मतलब नो की होया कि पावर इतने आ जाएगी जो आया वो लिख दो, तो अब पावर इतने आ जाएगी दैट इज टाइम्स वन प्लस एन इन टू एच बाई एक्स, बिकॉज वैन एच अप्रोच जीरो, ठीक है, एक्स इज सम नॉन जीरो नंबर, दिस इज अप्रोचिंग टू जीरो, राइट, एदा इफेक्टिवली आएगा माइनस वन बाय एच, दैट्स इट, होना वन दे नाल वन कटिया गया और एच नाल एच कटिया गया, तो आंसर की आ गया एक्स दी पावर एन आ वाला डिवाइड बाय एक्स इंटू एन, सो दिस इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, ठीक है। सो एक्स रेस्ट पावर एन द डिफरेंशिएशन इज एन इंटू एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन, ठीक, वी ऑल्सो कॉल इट पावर फॉर्मूला, राइट। और जब आप हम अगे डिफरेंशिएशन करेंगे एच एन इन्होंने एज अ स्टैंडर्ड लवेंगे, ठीक है, मतलब कहेगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर टेन द डिफरेंशिएशन, तो एक्स द पावर एन दैट फॉर एफ डैश एक्स वुड बी टेन इंटू एक्स द पावर टेन माइनस वन, ठीक है। आप किसी भी एन से है ना उन्होंने ड्राइव कर ले, वेर एन इज कॉन्सटेंट, थे एन शुड बी कॉन्सटेंट, उच एक्स या वाई दी टर्म नहीं है, लिख लो, ठीक है, एन इज अ कॉन्सटेंट, एफ एक्स इक्वल टू लेट्स से साइन क्यूब एक्स, राइट, तो साइन क्यूब एक्स, लेट्स डू दैट, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच पहला लिमिट जी साइन क्यूब एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाय एच, लिमिट एच अप्रोच जीरो, अच्छा ए क्यूब माइनस बी क्यूब ला दो, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, तो दैट इज ए साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, दैट इज साइन एक्स प्लस एच द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच डिवाइड बाय एच, आई गेस हो गया एक लाइन जी। और फिर साइन सी माइनस साइन डी ला के आ वाली लिमिट द आंसर कॉस एक्स आ जाएगा, और अब मल्टीप्लाई होया अ सारा द सारा डिटर्मिनेट है, बिकॉज एच दी वैल्यू जीरो पुट करोगे कितने भी, ये सारा आंसर नॉन जीरो आ रहा है ना, पूरी टर्म देखो एच जीरो करोगे, अभी आ गया साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अभी आ जीरो साइन इन साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो आ वाला इफेक्टिवली कितना आ गया, लिमिट ला के थ्री साइन स्क्वायर एक्स, राइट, इंटू तुसी वो बिल्कुल पहला सवाल साइन सी माइनस साइन डी ना वैलवेट करोगे, इधर आंसर कितना आ जाएगा कॉस एक्स, सो थोड़ा आंसर आ गया थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट, ठीक है बेटे। तो आई गेस, अच्छा जे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा हो, लेट अस टेक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप जनरल करते पे ना एट एनी पॉइंट एक्स, तो जे कहना डेरीवेटिव एट एक्स इक्वल टू टेन, फिर दो तरीके है, या तो आप सीधा एफ डैश एक्स कर ली है ना जनरल, ठीक है, जब आप करते हैं ना आप फंक्शन ले लिया दैट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, है ना, राइट, एंड वो सॉल्व करके वो बाद एक्स की वैल्यू टेन पुट कर दी, या की करो, ठीक है, वो मेथड तो क्लियर ही, या हम इदा करो कि सानू चाहिए एफ डैश एक्स का फॉर्मूला पता कि बराबर है लिमिट एच अप्रोच जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, जब आप कल गल कर रहे थे ना, मतलब कोई एक ग्राफ होएगा ये तो जनरल स्लोप कढ़ी आप एट एनी पॉइंट एक्स, वो एक्स से नहीं चाहता, वो सिर्फ एक्स इक्वल टू टेन से चाहता है स्लोप किनी है, मतलब डेरीवेटिव किन्ना है, तो ठीक है, वो अगर चाहता है एक्स इक्वल टू टेन से, तो आ जी एक्स की वैल्यू है इतने आप टेन पुट कर दिए, सो देयरफॉर एट एक्स इक्वल टू टेन, मतलब इतने एफ डैश टेन चाहिए, मतलब एफ डैश मतलब स्लोप या डेरीवेटिव कितने टेन से, तो इतने जिथे जिथे एक्स है ना एक्स की वैल्यू पर तो टेन पुट कर दे, मैं उत्थे उत्थे टेन पुट कर दो,
ठीक है, उन्हें थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट। दैट इज 10 + h, आई होप अगल समझ आई ना। ए हो गया डेरिवेटिव एट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। पहला सी जनरल, तो f(10), ठीक है। सो दैट इज द सेकेंड मेथड। फर्स्ट में ऑलरेडी दस चुके हैं कि तुसी पहला उन्हों नॉर्मल वे ना करो, लास्ट जो f' आया है एस फंक्शन लैके तुहाडे कोल 2x आ जाएगा, उहदे च बाद च x दी वैल्यू 10 पुट कर लो। देयरफॉर एट x इक्वल टू 10 f'10 इज इक्वल टू 2 × 10 = 20। मतलब आप पूरा सॉल्व करके आया ना फर्स्ट प्रिंसिपल देना, फिर 10 पुट कर दो, या फॉर्मूले च x दी वैल्यू 10 पुट करके लिमिट उस हिसाब ना वैल्यूएट कर लो। सो लिमिट h अप्रोच 0 f(10 + h). सो जिथे ते x है इथे उथे उथे 10 + h द स्क्वायर -2, ठीक है। ए वाली वैल्यू होगी ए दी पुत्र माइनस f(10), इतने 10 पुट करो, 10 द स्क्वायर 100, ठीक है। दैट इज 100 -2 डिवाइड बाय h, राइट। नाउ हम आप लिमिट वैल्यूएट कर लीए। अच्छा आ -2 आ माइनस माइनस प्लस आ 2 ना, तो 2 कटा जाना। सो हुणा तुहाडे कोल आ गया 10 + h² -100, आ ए प्लस बी स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 20h -100 बाय h। ज्यादा न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर प्रॉपर फॉर्म च आ गया, देन यू विल सी के h तुहाडा है ना न्यूमिनेटर चो ते डिनोमिनेटर चो कट जाएगा। तो इत्थे आ गया h प्लस 20 डिवाइडेड बाय h, ठीक है। दिस h गोज, हुणा डिटरमिनेंट आ गई, एच अप्रोच 0, आ 0 हो गया, तो आंसर थोड़ा आ गया 20, ठीक है। सो जिदा आप पहला भी पहले तरीके नाल कीता, राइट। सो जे इदा किसी पर्टिकुलर पॉइंट ते पूछ दे नो प्रॉब्लम, तुसी इदा सॉल्व कर लो, ठीक है। ओके, एक ना जिदा लिमिट दा बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म लेना, एक्स अप्रोच 0 साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है, 1 होंदा। इदा ही दो आ भी नोट कर लो, लिमिट एक्स अप्रोच 0 ई रेस्ट पर एक्स ई रेस्ट पर एक्स -1/x, ठीक है। ये भी आंसर 1 होंगे, दिस इज ऑल्सो द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। मैं जिदा एक्स 0 नू जा रहा है, अगर तुम फॉर्म चेक करो, समथिंग रेस्ट पर 0 1 1 -1 0/0 फॉर्म है, राइट। तो इनू जिदा भी सॉल्व किया गया, आप उतने नहीं जा रहे फिलहाल, यदा आंसर किन्ना है 1, ठीक है। आप डेरीवेटिव यूज करना है, तो इस करके लिख लो, बाकी लिमिट डिटेल तुसी पढ़ लोगे, है ना। तो एक लास्ट हो लॉग 1 + x/x, ठीक है, ये भी 1 होंगे। अच्छा हम चीज़ा ख्याल रखने वाली कि जिदा ना कि आ अगर इतने एक्स ना हो ते फिर तुसी की कर दो कि साइन ऑफ, ठीक है, इतने f(x) जो जो भी इतने है वही नीचे होएगा, प्रोवाइडेड ए 0 नू जाए। अगर इदा है तो फिर यदा आंसर भी 1 होंगे। सिमिलरली इदा ही बाकिया भी, अगर इतने एक्स है तो आ दोनों पहली गल सेम होने चाहिए, है ना, और ये 0 नू जाने चाहिए। मतलब अगर इतने एक्स ना हो, कुछ 2x 3x या कुछ हो, तो जो इतने है, ठीक है, उ इतने होना चाहिए। मतलब जो इतने 2x है तो उ 2 ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ना, छोटी छोटी चीज़ा। एंड अगर ये 0 नू जा रहा है तो यद आंसर भी 1 होंगे। एंड सिमिलरली ये भी कि अगर आ एक्स है इतने कोई f(x) हो तो उ नीचे होना चाहिए, तो यदा आंसर भी इवेंचुअली 1 होंगे। सो रिमेंबर दीज थ्री फॉर्मूले। जिदा ये मैं एक दो क्वेश्चन क्विकली दसदा, फॉर एग्जाम्पल मैं कह ई रेस्ट पार 3x -1/x, नाउ एक्स अप्रोच 0 ई रेस्ट पार एक्स -1/x टाइप का, है ना, बटा फंक्शन सेम चाहिए, तो की करिए इतने 3 ना डिवाइड 3 ना मल्टीप्लाई। नाउ आ थोड़ा एफ हो गया जोड़ा 0 नू जा रहा, जिमें एक्स 0 जाऊगा 3 × 0 भी 0 जाएगा, तो यदा आंसर थोड़ा आ गया 1। तो इफेक्टिवली आंसर आ जाएगा 1 × 3, दैट इज 3, ठीक है, राइट। जिदा एक दो होर देख लो, मैं कहूँ कि लिमिट एक्स अप्रोच 0 ई रेज टू पार साइन 3x -1/x, ठीक है। नाउ एक्स 0 जाएगा, फॉर्म चेक करो, साइन 0 0 1 - 1 0/0 फॉर्म है। सो लेट अस मेक दिस सेम, जो इतने उ बनाने हैं, ठीक है।
लिमिट एक्स अप्रोचे 0 ई द पावर साइन 3x-1, तो साइन 3x ना इतने आप डिवाइड करता, ठीक है, और इतने आप साइन 3x ना मल्टीप्लाई, और नीचे x है उन्हें इधर स्लाइड कर दो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इधर एडजस्ट हो जाएगा, राइट। सो हुण आ ते एफ सेम बना लिया तुसी, ठीक है, ये आंसर 1 आ जाएगा। एनू हुण कर लो एडजस्ट, तो इनू 3 चाहिए, 3 ना डिवाइड 3 ना मल्टीप्लाई। सो हुण तुसी लिमिट लाओगे, ये आंसर 1 आ गया, इंटू एदा भी 1, एदा 3, आंसर 3 आ गया, राइट। ते लेट्स डू लास्ट वन, मान लो मैं कहूँ कि आई याद रखो लिमिट एक्स अप्रोच 0, लेट्स से ई रेस्ट पर एक्स ई रेस्ट पर साइन एक्स, लेट्स से डिवाइड बाय एक्स माइनस साइन, ठीक है, मान लो आ कर दें। नाउ फॉर्मूले च बेटे की होंगे ई रेस्ट पर समथिंग -1 है ना, तो की करिए कि टू मेक दैट इनू आप कॉमन कर सकते हैं, सो दैट इतने 1 आ जाए, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, ई रेस्ट पर एक्स लिमिट एक्स अप्रोच 0 ई रेस्ट पर एक्स, अ कॉमन कर दो क्या नीचे आ जाएगा, ई रेस्ट पर साइन एक्स -1, अगल समझ आई, इनू बाहर कर लिया, इतने 1 आ जाएगा, आ इतने आ जाएगा, नीचे कितना है एक्स माइनस साइन एक्स, दैट्स इट, प्रॉब्लम इज डन। हाँ जी, व्हाट इज दिस, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर माइनस हो रही है, लिमिट एक्स अप्रोच 0 ई रेस्ट पर एक्स माइनस साइन एक्स -1 बाय एक्स माइनस साइन एक्स, आते मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक्स अप्रोच 0 साइन 0 0 समथिंग रेस्ट पर 0 1, मल्टीप्लाई होया डिटर्मिनेट है नॉन जीरो, ते ते इतने पुट करता। नाउ हुण लुक एट दिस लिमिट, आते आ थोड़ा एफ हो गया बिल्कुल सेम नीचे है, और ये 0 नु भी जा रहा है, 0 -0, तो आ एफ ई रेस्ट पर एफ -1 बाय एफ एंड एफ अप्रोचिंग 0 ए भी 1 आ गया, तो आंसर थोड़ा 1 आ गया, ठीक है पुत्र। सो बाकी चलो लेट अस डू प्रॉब्लम्स, क्योंकि जिदा साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो ई रेस्ट पर एक्स लॉग एक्स भी स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो ये इन्हों का डेरीवेटिव भी थोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए है ना, तो एफ एक्स इक्वल टू ई रेस्ट पर एक्स है, यदा डेरीवेटिव ये डिफरेंशिएशन बनाने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला की लिमिट एच अप्रोच 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, ठीक है। लेट अस डराइव दी डिफरेंशिएशन फॉर्मूला फॉर दिस फंक्शन, सो दिस इज एफ डैश एक्स, ठीक है, हाँ जी, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो इतने एक्स प्लस एच पुट करो, माइनस एफ एक्स तो ई रेस्ट पर एक्स है, बाय एच, बस इन्ना ख्याल रखना, हुण लिमिट एक्स ते नहीं है पुत्र, लिमिट एच ते है, तो एच अप्रोच 0, अच्छा चाहे तो जिमें मैं उपर किया ई रेस्ट पर एक्स कॉमन कर लो हूँ, तो 1 आ जाएगा, या स्प्लिट कर दो, बेस एड हो पावर एड हुई है, तो इनू स्प्लिट करता ई रेस्ट पर एक्स बाय एच, ठीक है। लिमिट एच अप्रोच 0 ई रेस्ट पर एक्स बेटे कॉमन आ गया, इंटू की आ गया ई रेस्ट पर एच -1 बाय एच एंड एच अप्रोच 0, सो ई रेस्ट पर एक्स -1 बाय एक्स, ठीक है, एक्स की जगह वेरिएबल एच है, राइट, तो यदा लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी, एच तो एच है ही नहीं, ये तो इदा ही पे, सो दैट इज ई रेस्ट पर एक्स इंटू 1, दैट इज ई रेस्ट पर एक्स, सो देयरफॉर ई रेस्ट पर एक्स की डिफरेंशिएशन जी है दैट इज ई रेस्ट पर एक्स, इज दैट क्लियर, ठीक है। ते ओके, ते अगर अभी लिख लो नाल, ठीक है, ई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होंगी 2.71 है ना, तो यदि स्पेशलिटी आप लॉग च डिटेल च पढ़ा, ठीक है, बस जस्ट मैमो दैट इज़ अ कॉन्सटेंट नंबर यदि वैल्यू है 2.71 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अगर इतने ई की बजाय कुछ होर हो 2, 3, 4, तो वो फॉर्मूला आ लिख लो, जनरल फॉर्मूला लिख लो कि लिमिट ई रेस्ट पर एक्स -1 बाय एक्स, राइट, तो ए की है बेटे कोई भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर, जिम्मे इतने ई सी ना 2.1, ये कुछ भी 2, 3, 4 वट एवर, ए इज़ एनी पॉजिटिव नंबर, दैन यदा आंसर होंगे लॉग ए, ठीक है, मतलब
लिखा हुआ लिमिट एक्स अप्रोच जीरो, टू रेस पर एक्स माइनस वन बाई एक्स, आंसर लॉग टू। ठीक है, और अगेन मैं डिटेलिंग लॉग्स पढ़ाऊंगा, जो कुछ ना लिखा हुआ ना तो बेस ई होंगे। ठीक है, तो अगर इतने मैं ई रखदा, राइट, अगर मैं इतने ए की बजाय ई रखदा तो ई रेस्ट पर एक्स माइनस वन बाई एक्स आंसर किन्ना आ गया, लॉग ई है ना, एंड इतने बेस ही होंगे, लॉग ई बाई ई ए वन होंगे, लॉग ए बेस बी ए लिखा हुआ ना, यदा मीनिंग बाय डेफिनेशन होंगे लॉग ए बाय लॉग बी। और जो कुछ ना लिखे हुए थे बी जगह, मतलब ई होंगे, दैट मीन्स दैट इज नेचुरल लॉग दैट इज ई। सो इतने कुछ नहीं लिखा थे, मतलब बेस ई है। सो यदा अगर वैल्यू किनी है लॉग टू बाय लॉग ई, इतने कुछ नहीं लिखा सी दैट इज लॉग ई बाय लॉग ई, एंड लॉग ई बाय लॉग ई इज लाइक सर्टनली वन, राइट। तो इन्ना याद रखो कि इदा आंसर ए रेस्ट पर एक्स माइनस वन बाय एक्स इज लॉग ए, और अगर ए नू मैं ई रखदा आंसर इज लॉग ई विच इज इक्वल टू वन। ठीक है, सो देयरफॉर आर डिफरेंशिएशन दे फॉर्मूले स्टैंडर्ड लिस्ट च पा लियो कि ई रेस्ट पर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पर एक्स, राइट, ते ए रेस्ट पर एक्स दी तो ऑलरेडी थोड़ा दसती है कि चलो ए दी भी ड्राइव करी लो, एफ एक्स इक्वल टू ए रेस्ट पर एक्स। हाँ जी, डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से पुट करते हैं तो एफ ऑफ ए प्लस एच कितना आएगा, ए रेस्ट पर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है, सो लिमिट एच अप्रोच जीरो, अगेन ए रेस्ट पर एक्स कॉमन आ गया, कितना आ गया ए दी पावर एच माइनस वन बाई एच। ठीक है, अब फिर स्टैंडर्ड लिमिट आ गई, ए दा आंसर कितना है लॉग ए, एंड ए रेस्ट पर एक्स एवं नाल रखो दैट इज ए रेस्ट पर एक्स लॉग ए। तो दैट इज द नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ए रेस्ट पर एक्स की डिफरेंशिएशन ए रेस्ट पर एक्स इंटू लॉग ए। मतलब आप लास्ट वीडियो च भी ड्राइव किए थे ना, वो स्टैंडर्ड एक बार बना लेने, जिम्मे साइन एक्स की बनाई सी कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स टैन एक्स की सीकेंड स्क्वायर एक्स। सो नेक्स्ट लास्ट आप पूरी वो लिस्ट बनावेंगे, उन्होंने लिस्ट के अंदर आ भी सारे स्टैंडर्ड आने, ए रेस्ट पर एक्स ए रेस्ट पर लॉग ए है ना, तो वो सारे फॉर्मूले एक बार ड्राइव कर ले, अगे तो फिर उन्होंने वरती जाओगे। ठीक है, दैट्स वॉट वी आर गोना डू। ठीक है, तो ऐद ही लच्छे लॉग एक्स का भी ड्राइव कर ली, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, यदि डिफरेंशिएशन वैसे बेसिकली आओगी वन बाय एक्स। ठीक है, लेट अस ड्राइव, फॉर्मूला लिख लो पहला, लिमिट एच अप्रोच जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ए एफ डैश एक्स आ गया। सो लिमिट एच अप्रोच जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, फंक्शन के अंदर एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट करो, लॉग ऑफ एक्स प्लस एच एफ एक्स इज लॉग एक्स बाय एच। ठीक है, अच्छा लॉग के फॉर्मूले अगेन जिदा इतने वन बनाई दिया, इतने अगे की होना चाहिए, वन होना चाहिए, वन प्लस समथिंग हो वो जीरो नू जावे, वही नंबर नीचे हो। ठीक है, सो लेट अस मेक। ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टियाँ थोड़ा तो ऑलरेडी पढ़िया, टेंथ वो लगनियाँ इन एक थानू आदि, लेट सी इतने लॉग लिमिट एच अप्रोच जीरो लॉग ऑफ एक्स कॉमन कर लो। ठीक है, इतने आ गया वन प्लस एच बाय एक्स, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ एक्स बाय एच। नाउ आ तो आ गया, बट आते हूँ आ तो नाल मल्टीप्लाई हो रहे हो तो नहीं चाहिए, यू नो द प्रॉपर्टी लॉग ऑफ ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी, तो आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों, लॉग ए इंटू आ दूजा पूरा नंबर, सो दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए पहले का लॉग लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वन प्लस एच बाय एक्स। ठीक है, लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस अ लॉग एक्स पे। ठीक है, हुण आ वाली टर्म कट्टी गई, हुण तुहाडा स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करो लॉग का की सी, लिमिट एक्स अप्रोच जीरो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाई एक्स, ए लिमिट वन है, आ दोनों सेम चाहिए है। तो इतने किन्ना पुत्र एच बाय एक्स, और एच जब जीरो नू जाऊगा आ जीरो नू जा रहा, राइट, बट एच बाय एक्स है तो की करिए सेम बना ली डिवाइड बाय एक्स से मल्टीप्लाई बाय एक्स, हुण आ साडा एक्स हो गया, राइट, आ सेम हो गया। सो लॉग ऑफ वन प्लस कैपिटल एक्स बाय कैपिटल एक्स, इस लिमिट का आंसर कितना आ गया वन, तो
तो इफेक्टिवली आंसर कितना आ गया, 1 बाय या नीचे एक्स पे। ठीक है, दैट्स इट। सो थोड़ा फॉर्मूला ड्राइव हो गया लॉग का, राइट। ठीक है, इज दैट क्लियर। ते उदे बाद स्टैंडर्ड लिस्ट बन गई। उदे बाद स्टैंडर्ड फॉर्मूले होंगे है पुत्र, जहाँ पहला होंगे, पहला लिख लइए फिर मैं ड्राइव करा देना, कि अगर वाई है दो फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स का सम है, ते लिख लो डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू पहले दी डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस दूजे दी। मतलब अगर फंक्शन ऐड हो रहे हैं ते अगर डिफरेंशिएट करांगे ते पहले नो कर दो जमा दूजे नो, ठीक है, दैट्स इट। मतलब मान के चलो आपां स्टैंडर्ड लिस्ट बना ली है ना, ते मान लो आ थोनू प्रॉब्लम दिंदा है। हुण साइन एक्स नू इंडिपेंडेंटली आपां कैलकुलेट किया सी कि इहदा डेरीवेटिव कॉस एक्स है, ते कॉस का डेरीवेटिव किन्ना माइनस साइन। तो हुण आ फॉर्मूला ला के अगर मैं कहां डिफरेंशिएट दैट है ना, दैन डी वाई बाई डी एक्स इज एदी डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉस एक्स प्लस कॉस दी डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, दैट इज द मीनिंग कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता होंगे एफ जी, तो अगर उन्हों का प्लस माइनस कर दे तो डिफरेंशिएशन सीधी प्लस कर देनी, ठीक है, अगर इतने बिच माइनस है तो तुम माइनस कर देनी, राइट। तो इदा हो मैं कहूँ कि वाई इक्वल टू लाइक साइन एक्स प्लस एक्स रेस्ट पर 10 माइनस लेट्स से ई रेस्ट पर एक्स, कहना डिफरेंशिएट करो नॉट डी वाई बाय डी एक्स। हाँ जी, प्लस माइनस हो रहा, कोई गल नहीं, साइन द डिफरेंशिएशन कॉस प्लस पावर फॉर्मूला है ना, हमने किया एक्स रेस्ट पर एन द डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स रेस्ट पर एन माइनस वन, सो दैट इज 10 इंटू एक्स रेस्ट पर 9 माइनस ई रेस्ट पर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पर एक्स। सो ए फॉर्मूला कहता है, ठीक है, राइट। तो पहला ना आप लिख लीए फिर मैं प्रूफ इकट्ठे कर देना। सो प्लस हो गया माइनस मल्टीप्लाई का देख लो, कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों दो फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन अड अड मल्टीप्लाई कर दी, राइट, देन फॉर्मूला आया डी वाई बाय डी एक्स उन्होंने डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटू सेकेंड द डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज सच फर्स्ट द डिफरेंशिएशन, ठीक है, दैट इज द प्रोडक्ट रूल। मान लो यह कुछ कहता है कि वाई इक्वल टू एक्स रिस्ट पार 11 इंटू साइन एक्स, ठीक है, अगर मैं कहूँ डिफरेंशिएट करो, सो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला कि डी वाई बाई डी एक्स इज फर्स्ट फंक्शन एज सच, मतलब लिखना तो पहला प्रॉपर फॉर्मूला लिख दो, सेकेंड द डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज सच, ठीक है, फर्स्ट द डिफरेंशिएशन। नाउ डिफरेंशिएशन अगले स्टेप से कर दो, साइन एक्स दी कॉस एक्स, अच्छा साइन एक्स दी पावर 1 नहीं है, मतलब डिफरेंशिएशन का सिंबल ऐदा पैदा, या ऐदा लिख दो या ऐदा लिख दो कि डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है, डिफरेंट डी बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, या डैश पा दो ऐदा। तो साइन एक्स का डेरीवेटिव कॉस प्लस साइन एक्स है सच, एक्स लिस्ट पर 11 का डेरीवेटिव 11 इंटू एक्स रेज टू पार 11 माइनस 1 10, ठीक है। सो दो फंक्शन प्रोडक्ट च पए है, पहला रूल लिख दिया करो, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ले लो कि मैं कहाँ के ई रेज टू पार एक्स इंटू 10x, ठीक है, क्लियरली प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज फर्स्ट फंक्शन एज सच सेकेंड दी डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड लेट्स से ई रेस पर एक्स की डिफरेंशिएशन 10x एज सच। और अगले स्टेप से डिफरेंशिएट कर दो 10x की डिफरेंशिएशन बेटे फॉर्मूला, हाले जो लिस्ट नहीं याद हुई नो प्रॉब्लम, बट लिस्ट बना लियो या अगली बार मैं लिस्ट बनवा दूंगा सारी, है ना, तो बट आ रूल याद हो गए, हाले साडा पर्पज मेन रूल पर है, ठीक है। तो 10x की डिफरेंशिएशन आप कड़ी सी सीकेंड स्क्वेयर एक्स, एंड ई रेस्ट पर एक्स की डिफरेंशिएशन इज ई रेस्ट पर एक्स एंड इनटू 10x, ठीक है। सो इदा तो आ हो गया थोड़े को फॉर्मूला के दा प्रोडक्ट दा।
डिवीजन देख लिख लो कि एफ एक्स बाय जी एक्स अगर हो देन डी वाई बाय डी एक्स उन्हें डिफरेंशिएशन इज गिवन बाय। अच्छा तुम्हें मैं इतना पहला न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म से याद कराना ठीक है। न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है तो डिफरेंशिएशन होती है डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज सच मतलब जो डिनोमिनेटर है उन्होंने कुछ नहीं करना इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ठीक है। तो एवें भी याद रख सकते हो। सो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर न्यूमिनेटर च क्या होगा डिनोमिनेटर एज सच इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर। अच्छा पहला न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन करनी क्योंकि बच्चे माइनस है प्लस होंगे तो जरा मर्जी पहला लिख लेंगे ना। सो पहला न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन बाद डिनोमिनेटर। सो चलो इन पूरा कर ली डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब जी एक्स का स्क्वायर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज सच इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ठीक है। नाउ लेट्स लेट्स गिव यू फ्यू एग्जांपल लाइक द लेट्स से कुछ भी ले लो साइन एक्स बाय एक्स क्यूब ठीक है। सो दिस इज योर न्यूमिनेटर आर डिनोमिनेटर ठीक है। देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज डिनोमिनेटर द स्क्वायर डिनोमिनेटर एज सच। अच्छा हमेशा पहला रूल लिखा करो मतलब ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनेगा कि सीधी पहला डिफरेंशिएशन लिख दो एक हैबिट बनाओ क्योंकि जब आप प्लस टू जाओगे तो चाहे फंक्शन बड़े बड़े होंगे तो नहीं तो इतनी गलती हो जाती। तो इस करके पहला रूल लिखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एज सच न्यूमिनेटर दी डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर एज सच डिनोमिनेटर द डेरिवेटिव। सो नाउ यू अगले स्टेप से डिफरेंशिएट करो साइन एक्स दी कॉस एक्स इतने साइन एक्स एज सच। अच्छा एक्स क्यूब का डेरीवेटिव 3x2। अच्छा जिम्मे लिखा ना साइन एक्स इतने यदा डेरीवेटिव 3x2 तो इदा ना लिखा करो इदा एंगल च भुलेखा पै सकता है या तो प्रॉपर ब्रैकेट पाओ या इनू पहला लिख दो ठीक है। मतलब जो तुम आ लिख दोगे ना साइन एक्स इतने 3x2 सो आ तो लगेगा भी एंगल च लिखा सो 3x2 इतने पा दो डिवाइड बाय एक्स रेस्ट पर 6 थोड़ा आंसर आ गया। स्क्वेयर कैंसल कर सकते हो नीचे ठीक है। नेक्स्ट एक एक दो होर लिख लो कि अगर होवे पुत्र वाई इक्वल टू कॉन्सटेंट है ना तो इधर सब तो सौखा डी वाई बाय डी एक्स इज 0 ठीक है। इनू दो तीन तरीके ने सोच सकते हो कि वाई इक्वल टू कॉन्सटेंट एक तो कहो कि जब वाई कॉन्सटेंट ही है यदा मतलब एक्स दे चेंज करन ना वाई ते चेंज होना ही नहीं सो रेट चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 हो जाना या एवें सोचो कि वाई इज इक्वल टू कॉन्सटेंट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देयरफॉर लाइन कोई एक्स से पहले उसकी स्लोप तो 0 होंगी तो डी वाई बाई डी एक्स की स्लोप है दैट इज 0 ठीक है। सो वाई इक्वल टू कॉन्सटेंट दैन डेरीवेटिव उसका 0 है ठीक है। कॉन्सटेंट मतलब कि उस एक्स वाई नहीं होना चाहिए वाई इक्वल टू 3 डी वाई बाई डी एक्स इज 0 है ना। तो अगर मैं कहूँ कि वाई इक्वल टू साइन अल्फा वेयर अल्फा इज़ अ कॉन्सटेंट ठीक है। हम मैं कहूँ डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा हम डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट से तो अल्फा अगर कॉन्सटेंट है जैसे कोई भी 90 डिग्री 30 डिग्री वट एवर एंगल इज तो आ साढ़े वास्ते कॉन्सटेंट है थोड़ा डी वाई बाय डी एक्स में साइन अल्फा कॉस अल्फा नहीं लिख देना ये अल्फा या एक्स नहीं है बिकॉज अल्फा कॉन्सटेंट है तो आ नंबर साढ़े वास्ते की है कॉन्सटेंट है तो ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 ठीक है पुत्र। ते लास्ट लिख लो कि अगर किसी कॉन्सटेंट ना मल्टीप्लाई कर दी है ना फंक्शन देन डी वाई बाय डी एक्स इज कॉन्सटेंट नो मल्टीप्लाई रहन दो ठीक है नाल फंक्शन की डिफरेंशिएशन एवें ठीक है। 0 कद सी कन्फ्यूज़ नहीं होना जे नाल फंक्शन ऐड होंगे कुछ ठीक है के प्लस लेट्स से बी फिर बी दी 0 होनी सी अगर प्लस पे है कला फिर डिफरेंशिएशन 0 जे मल्टीप्लाई नाल होया तो वह एवें रहन देना एफ नू डिफरेंशिएट कर देना ठीक है। इस करके मैं दोनों कट्ठिया दिती हैं फिर कन्फ्यूजन ना हो। चलो एक दो एग्जाम्पल यदि दसदा मान लो मैं लिखा हुआ वाई इक्वल टू 3 साइन एक्स ठीक है। सो नाउ डी वाई बाय डी एक्स
अहोन इतना मल्टीप्लाई है, 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब इतना फंक्शन 3 sin x ना कुछ पे 3 sin x + 4। हूँ प्लस वाला रूल लग गया, एदी डिफरेंशिएशन प्लस एदी, हूँ ए कांस्टेंट है एदी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो ए है इधर, तो अगर कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई होया अनु कीप इट एज सच, देन नाल वाले नो डिफरेंशिएट कर दो। सो लेट्स टेक वन वन एग्जांपल, इफ आई से के वाई इक्वल टू लेट्स से 3 sin x + 4 cos x - 3x^5। अच्छा हूँ केड़ा रूल है, पहले देखो प्लस वाला, एक पहला फंक्शन जमा दूजा जमा तीजा प्लस माइनस वाला। सो इतने यू नो यू शुड राइट सब्जेक्टिव डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यू नीड टू राइट। सो डी वाई बाय डी एक्स इज, हाँ जी ए दी डिफरेंशिएशन 3 me sin x cos x, 4 me cos x - sin x, -3 me x^5 दी इंटू 5 x^5 - 1। सो दैट इज 3 cos x - 4 sin x - 15 x^4, राइट। अच्छे मैं कहूँ वाई इक्वल टू, ओके और एग्जाम्पल ले लो, लेट्स से 2 + 3 sin x - 3 + 2 10x। अच्छा हूँ देखो पहला किड़ा फॉर्मूला नज़र आ रहा है, पहला फंक्शन है दूजा विच मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहला रूल लिख दो है ना, मल्टीप्लाई है थे रूल लिख दिया करो, फर्स्ट फंक्शन है सच मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जस्ट राइट ऑन द रूल है ना, सो इट गलती ना हो। सेकंड फंक्शन दी डिफरेंशिएशन प्लस, ठीक है याद है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला फंक्शन है सच सेकेंड द डेरिवेटिव प्लस सेकेंड है सच पहले द डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज, हूँ अगले स्टेप पे फिर डिफरेंशिएशन कर दिया करो यदि। अच्छा हूँ यदि हूँ पूरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं राइट, अब प्लस वाला है पहले की डिफरेंशिएशन प्लस दूजे की, पहला कॉन्सटेंट है 3 दी 0 प्लस दूजे की यदि करनी है 2 मल्टीप्लाई होया पे आ रहे हैं, तो 10x/sec² x प्लस, समझ आ रही गल पुत्र। सो एदी आ एवें प्यार रहा, ठीक है यदि डिफरेंशिएशन यदि हाँ की हो रहा फॉर्मूला इन से लिखा, ठीक है इंटू, हाँ जी 2 हूँ पूरे की डिफरेंशिएशन है, ये प्लस फॉर्मूला है पहले दी होगी जमा दूजे की, 2 दी 0 जमा यदि करन लगे तो मल्टीप्लाई होया नाल 3 एवें sin x / cos x। ठीक है आ बस मल्टीप्लाई कर लियो दैट्स इट, या एवें छड़ दो गल गल खत्म, आंसर आ गया। ठीक है बेटे, सो हूँ इदा करते हैं कि बाकी फॉर्मूले तो बड़े आसान है, प्लस माइनस वाले मल्टीप्लाई डिवाइड वाले ना ये मैं ड्राइव करा देना, ठीक है जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी करा देना, मतलब क्योंकि सब्जेक्टिव च भी नहीं पूछते होंगे क्वेश्चन ही याद है, बट लेट अस डिराइव दोज फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। अच्छा मान लो फंक्शन एफ एक्स है, उधर डेरिवेटिव की होगा एफ डैश एक्स होगा एट एनी पॉइंट एक्स, लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है आ लिमिट जे अगर आ जाए तो दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, तो ऐसे मान लो कोई फंक्शन जी एक्स है तो वह डेरीवेटिव की होगा जी डैश एक्स इज लिमिट एच अप्रोचेज 0 जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स बाय एच, तो आ लिमिट कितने भी आए तो ये जी डैश एक्स है। हूँ साडा फंक्शन है लेट्स से नवा कोई एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, राइट। हूँ अपन एच एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है ना, यदि करनी ना मतलब इन्हों की यदि करना मतलब यदि एच की, तो अगर एच एक्स की डिफरेंशिएशन करनी हो तो फॉर्मूला की बनता है लिमिट, अच्छा एच ना लई है ना क्योंकि वो एच अप्रोच ही 0 कराना तो कुछ भी ले लो होर के एक्स ले लो, सो देयरफॉर ए दी डिफरेंशिएशन चाहिए है, सो के डैश एक्स इज लिमिट एच अप्रोच 0 के ऑफ फंक्शन हूँ के है पुत्र
एक्स प्लस एच माइनस के ऑफ एक्स बाय एच दैट इज इक्वल टू के डैश एक्स। ठीक है, आ गल समझ आनी जरूरी है। के एक्स फंक्शन की डिफरेंस चाहिए विच इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट। तो इफ के एक्स इज द फंक्शन तो फॉर्मूला लाता आप। हूँ की करा, हूँ आप वैल्यू फिल कर दें इतने इक्वल टू के ऑफ एक्स प्लस एच। जिथे जिथे के एक्स के अंदर एक्स पे है इतने इतने एक्स की जगह की रखिए एक्स प्लस एच। चलो इतें कर लें, लिमिट एच अप्रोचे जीरो। हाँ जी, इतने इतने कितना होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, माइनस के एक्स, के एक्स कितना एफ एक्स जी एक्स। सो माइनस एफ एक्स एंड जी एक्स डिवाइड बाय एच एंड एच अप्रोच जीरो। हुण आपां आ लिमिट वैलुएट करनी है यूजिंग दीज, है ना। आ हुण आ बेटे आ दो स्टैप मैं ना अरेज कर रहा, आई नीड स्पेस। हुण आपां आड़ी मैनिपुलेशन करन लगा, अगे तो याद रखियो, राइट। सो मेक श्योर तुसीं आ नोट कर लिया। ठीक है, अच्छा हुण आ मैनिपुलेशन की है, एक दो बार सीख लोगे अगे तो दिमाग च रहेगा। इनू की करांगे आपां, लिमिट एच अप्रोच जीरो बिकॉज आई वॉन्ट यूज दीज टू लिमिट्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच। इतने आ वाली टर्म परे लिख दो, माइनस एफ एक्स जी एक्स माइनस कर दो बिकॉज मैं एफ डैश एक्स वाला फॉर्मूला बनाना चाहना। तो जब मैं एफ डैश एक्स वाला फॉर्मूला बनाना चाहना तो इतने एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो गए ना इतने। हुण जे माइनस एफ एक्स किवें होगा तो आ वाला फैक्टर भी नाल पिया, तो एवें करते हैं एफ एक्स इंटू जी प्लस एच ना मैं माइनस करता तो इतने यही कर दी है प्लस। अच्छा उन्ना की होगा, जब मैं आ जी ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन लाऊंगा तो आई विल बी गेटिंग एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। सो वो लिमिट यूज हो जाएगी इधर। इधर मैं एफ एक्स कॉमन ले लूंगा तो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स वाली लिमिट यूज हो जाएगी। तो मेन की स्टेप की सी कि आ वाली टर्म माइनस से आ वाली टर्म प्लस डिवाइड बाय। ठीक है, आ दोनों टर्म्स ही बेटे पहली ते लास्ट, आह आप माइनस प्लस किया डिवाइड बाय एच जिहड़ा पिया सी लिमिट एच अप्रोचे जीरो। ठीक है, आ हुण मैं रेज कर दा, नोट कर लो। दैट्स इट, हुण अपना प्रॉब्लम हो गया लिमिट एच अप्रोचे जीरो। पहले दोनों चो आ जी वाली टर्म कॉमन कर लो, की बचा दिस माइनस एफ एक्स। ठीक है, इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एना दोनों चो एफ एक्स कॉमन कर लो, एफ एक्स। ठीक है, इंटू, हाँ जी की बचे जी ऑफ एक्स प्लस एच आ वाला माइनस जी एक्स आ गया डिवाइड बाय एच। दोनों नो विच प्लस है ना पुत्र, तो इधर भी एच ना डिवाइड तो इधर भी एच ना। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो फिर एक बार ही होंगे, मतलब ए इंटू बी बाय सी लिखा है तो मतलब किसी एक दिन ले जा सकते ए बाय सी, या एम लिख दो या ए इंटू बी बाय सी। ठीक है, ए प्लस बी बाय सी या माइनस, देन यू कैन राइट ए बाय सी प्लस बी बाय सी। ठीक है, मतलब ए इंटू बी बाय सी लिखे ऐदा नहीं कर देना। ठीक है, फिर सी स्क्वेयर हो गया ना पुत्र, तो क्योंकि प्लस है तो दोनों नीचे आ गए। ठीक है, कई ऐदा फिर जादू कर देने होंगे, राइट। तो अच्छा हम लिमिट ला दी है एच अप्रोची जीरो, है ना। वट इज दिस लिमिट आ दोनों, हाँ जी आ एच अप्रोची जीरो, दिस इज नथिंग बट हाँ जी एफ डैश एक्स। सो दिस इज एफ डैश एक्स, हाँ जी एच अप्रोच जीरो आ जीरो हो गया ना, आ इंटू जी एक्स प्लस दिस इज जी डैश एक्स। ठीक है, इंटू एफ एक्स। सो आ थोड़ा प्रोडक्ट रूल बन गया। सो ये तुसी के डैश एक्स कर लिया, प्रोडक्ट वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन या एक फंक्शन एज सच दूजे का डेरीवेटिव, दूजा एज सच पहले का। ठीक है, तो हुण तुसी प्रोडक्ट रूल लाओगे तो वहम नहीं रहना भाई कितों आ गया, भी करा तो दिता पता नहीं सच बोलते हैं नहीं बोलते, है ना। ठीक है, नाउ यू हैव द कॉन्फिडेंस, यस फॉर्मूला इतों आया, राइट। अच्छा हम डिवीजन वाला भी ड्राइव कर लीए। लेट्स से कुछ भी फंक्शन लो, बी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाय जी एक्स। ठीक है, तो मैं बी डैश एक्स चाहिए, मतलब इन्हों की डिफरेंसिएशन, तो देयरफॉर फॉर्मूला लिख लो बी डैश एक्स इज लिमिट एच अप्रोच जीरो बी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस बी एक्स बाय एच। ठीक है, आ
बी फंक्शन द डेरिवेटिव राइट हूँ की करिए एद एच बी दी बी ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए थे एथे एथे की पुट करिए एक्स की जगह एक्स प्लस एच सो बी डैश एक्स इज लिमिट एच अप्रोच इज जीरो एथे सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाय जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस बी एक्स इज दिस एफ एक्स बाय जी एक्स डिवाइड बाय एच ठीक है ते हुण आपां की करिए एलसीएम ले लिए तो लिमिट एच अप्रोच इज जीरो सो कि आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स माइनस हूँ परे करके लिख लिए जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स ठीक है डिवाइड बाय एच अच्छा डिवाइड बाय एच ना एलसीएम भी आऊगा डिवाइड लिख लिए डिवाइड बाय एच इंटू आ दोनों जी एक्स और ए तो डिटरमिनेट है दोनों ना एच की वैल्यू जीरो पुट करोगे ए जी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा एच उपरों वरता जाएगा नाउ टू मेक द फॉर्मूला लेट्स डू वन थिंग एफ एक्स जी एक्स नाल प्लस कर दिए ठीक है और माइनस से प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स अच्छा इन्ना हूँ की फायदा होगा देखो पहले चो जी अगर कॉमन कर लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स वाला एना चो एफ एक्स कॉमन कर लेंगे तो इवन माइनस भी कॉमन कर लेंगे तो जी एक्स आ गया तो एक जी ऑफ एक्स प्लस आ गया तो इन्ना की है थोड़ा डिजायरेबल फॉर्म चलूगा सो लेट्स अप्लाई इन्ह दोनों चो की करिए जी एक्स कॉमन ठीक है इंटू जी एक्स एना दोनों चो अच्छा अगे चाहिए होंगे जी ऑफ एक्स प्लस एच वो अगे माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लो और एफ एक्स भी कॉमन ले लिया सो यदा माइनस है इतने माइनस आ जाएगा ठीक है और ए अगे प्लस है तो इतने माइनस आ जाएगा ठीक है दिस इंटू एफ एक्स ठीक है आई होप आ गल समझ आ गई एना दोनों चो जी कॉमन कर लिया एना दोनों चो माइनस एफ कॉमन कर लिया डिवाइड बाय एच एना डिवाइड कर दो एच एना ठीक है एना दोनों ना और आ तो टर्म प्रॉपरली सारे ना डिवाइड हो रही ना तो इनू सेपरेटली इतने लिख लो जी एक्स इंटू एच अप्रोच जीरो आते जीरो हो गया ठीक है तो आ भी जी एक्स आ गया तो कितना आ गया जी एक्स का स्क्वायर डिटर्मिनेट है नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट्स इट हूँ आप लिमिट लाइए पुत्र तो आ की है लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच दैट इज एफ डैश एक्स ठीक है दैट इज एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस एंड व्हाट इज दिस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स एंड होल डिवाइड बाय जी एक्स स्क्वायर ठीक है आ थोड़ा डिवीजन दा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आ गया राइट सो फॉर्मूले ड्राइव हो गए हुण फॉर्मूले अज की क्लास तक की करना फॉर्मूले याद होन सम प्रोडक्ट डिफरेंस सारे जितने हुण जिहड़े मैं एग्जाम्पल कराई हैं वो याद होन नेक्स्ट क्लास से ये कुछ होर क्वेश्चन करांगे है ना तो बाकी फर्स्ट प्रिंसिपल वाले आ लिमिट से भी याद रखियो है ना इनू लिमिट से होर डिटेल च करांगे बट जस्ट रिमैम्बर दिस फॉर्मूले राइट ठीक है पुत्र बाकी नेक्स्ट क्लास कर दें।